तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन जो एलजेब्रिक की कैटेगरी में आता है, और लॉग एक्स लॉगरिथम फंक्शन है। तो सीक्वेंस में जो एलजेब्रिक लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले आता है और एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसे फर्स्ट एज्यूम करते हैं और जो बाद में आता है उसे सेकेंड एज्यूम करते हैं। फिर फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं बाई पार्ट का, क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट मतलब लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ब्रैकेट में कर देते हैं एंड होल डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटीग्रल रख दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और वन का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये लॉग एक्स तो रहेगा ही। उसके बाद आपके पास माइनस, यहाँ पे क्या होने वाला है डिफरेंशिएशन लॉग का वन बाई एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल सेम है वही एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से हम एक्स कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन करने के बाद इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे कॉमन करेंगे तो वन आएगा और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स बाहर आ जाएगा, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा साफ, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, वन का इंटीग्रल क्या आप प्लेस कर देंगे एक्स हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन बाई थ्री पहले से था वहाँ पे प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, फिर ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, दैट इज एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स टाइम्स लॉग एक्स, तो दैट इज योर। अच्छा एक चीज़ फाइनल आंसर लिखने से पहले यहाँ नाइन लिख दीजिए, है ना, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।